हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं विंडोज 11 की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विंडोज 11 पर जल्द ही मैं वीडियोस लेके आने वाला हूं, तो आज हम बात करेंगे विंडोज 11 की और साथ ही साथ बात करेंगे ऑफिस 365 की, कौन कौन से एक्साइटिंग फीचर मिलते हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हम ऑफिस 365 में कैसे चलाते हैं। इन सभी चीजों के बारे में बात होने वाली है, वीडियो होने वाली है काफी इंटरेस्टिंग, तो देखते रहिए इस वीडियो को और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए विंडोज 11 कुछ इस तरीके से इंस्टॉल किया है मैंने और यहाँ पर आपको स्टार्ट का बटन मिलता है। जैसा कि विंडोज 10 में दिखता था तो ये आपको लेफ्ट साइड में, बहुत ही ज्यादा लेफ्ट साइड में आपको ये चीज मिलती थी, स्टार्ट वाला बटन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा रिप्लेस करके और बीच में लेके आ गया है। यहाँ पर क्लिक करेंगे ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेल की, तो यहाँ पर ये एक्सेल ओपन किया हमने और एक्सेल को जैसे ही ओपन करेंगे हम तो यहाँ पर ब्लैंक पर क्लिक करेंगे, हम ब्लैंक एक्सेल ले लेंगे, ठीक है। अब ये ले लिया हमने, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, इसको पहले क्लोज करता हूं, यहां से देखिए ये देखने को हमें मिलेगा ये कुछ इस तरीके से। तो यहां पर देखिए यहां पर आपको फिल्टर का एक मिल जाता है फॉर्मूला, जो कि आपको विंडोज 10 में तो मिलेगा लेकिन ऑफिस 365 में ही आपको फिल्टर का फॉर्मूला मिलेगा या ऑफिस 2021 में आपको ये मिलेगा, ठीक है। फिल्टर वगैरह का जो भी फॉर्मूला है वो आपको यहां पर मिल जाता है। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूलाज आपको ऑफिस 365 में मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं मेक एरे का फॉर्मूला है और मैप का फॉर्मूला है, तो ये जो मैप का फॉर्मूला है ये आपको जनरल ऑफिस में नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये मैप काम कैसे करेगा इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं एक्सेस की। तो यहां से इसको क्लोज करता हूं और थोड़ा सा एक्सेस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां से आता हूं और यहां पे टाइप करता हूं एक्सेस ACCESS, तो जैसे ही एक्सेस टाइप करते हैं तो यहां पर एक्सेस आपको देखने को मिल जाता है और यहां पर देख सकते हैं ये ब्लैंक डेटाबेस पे जैसे ही क्लिक करते हैं हम तो हमारे सामने एक नई विंडो आती है, ठीक है। और वो नई विंडो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगी, ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक कर दीजिए, आप चाहे तो इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। व्यू पर जाएंगे तो आपको ये दो ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, डिजाइन व्यू पे चले जाइएगा, यहां पर चाहे तो नाम चेंज कर सकते हैं, फिलहाल मैं यही रखने वाला हूं, ठीक है। बाकी की चीजें आपको इस तरीके से मिलेंगी। यहां पर डेटा टाइप्स की बात करें तो यहां पर आपको बहुत सारे डेटा टाइप्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको मिलते हैं 2016 में देखने को, ठीक है। लगभग वही सिनेरियो है यहां पर भी, ठीक है। तो आई होप कि बात समझ में आ रही होगी और काफी एक्साइटिंग होगी अगली वीडियो जबकि हम यूज करेंगे इसको, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं प्राइमरी की थोड़ा सा अलग आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए प्राइमरी की किस तरीके से दिखाई पड़ रहा है, जैसा आपको आमतौर पे 2019 में दिखाई पड़ता है वैसा तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दिए गए हैं, जैसे यहां पर मैक्रो का नाम आप यहां यहीं से चेंज कर सकते हैं अगर आप मैक्रो क्रिएट करते हैं तो, ठीक है। ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एमएस वर्ड की बात कर लेते हैं, एमएस वर्ड कैसा दिखेगा आपको, तो ये एमएस वर्ड है, इसको मैं ओपन करता हूं और ये आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। ये ऑफिस 365 का वर्ड है और ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। इसका यूज हम अभी सीखते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। लेकिन अभी इस वीडियो में केवल यही बताऊंगा कि ये इंट्रोडक्टरी थोड़ा वीडियो है ये, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा और इसमें बहुत सारी नई नई चीजें भी हम सीखेंगे और इसके अलावा जावा पर भी काम करेंगे बहुत सारा, जो हम काम नहीं कर पा रहे थे, सिस्टम हमारे पास था ही नहीं, इस लायक नहीं था सिस्टम कि हम जावा पर और बड़े बड़े डेटाबेस पे काम करें। तो अभी काफी ज्यादा आराम हो गया है और आपको भी अब शुरू कर देना चाहिए मेरे साथ सीखना, क्योंकि अब हम बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं नई चीजों की, नए फॉर्मूलाज की, नए टेक्निक्स की, नए प्रोग्राम्स की। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।